प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी, क्योंकि भाई मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और अब आपकी डिमांड थी कि भैया बायोलॉजी के ऊपर एक ऐसा वीडियो लेकर आइए जिसके कि आप शॉर्ट के क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में आप कंप्लीट करा दीजिए। तो भाई आज का वीडियो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है, इसको आप पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ संपूर्ण के आपके 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके आंसर के साथ होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप लोग देखते जाएगा मेरे साथ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, जो भी चीजें आप समझ सकते हैं वो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आभासी या मिथ्या, ठीक है, आभासी या मिथ्या फल के दो उदाहरण दीजिए, या आप बताइए कि आभासी फल क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो आभासी फल का अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो यहां पर आपका नाशपाती, ठीक है ना, पाइनएप्पल और सेब जो कि होता है आपका एप्पल, ये दो होते हैं आभासी फल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल पूछा तो हम इतना बता देंगे। अथवा में भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन या इस प्रकार से भी आ सकता है कि दो आभासी फलों के नाम लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। और ये जो क्वेश्चन आएगा भैया एक नंबर का आता है, ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं अति लघुतरीय प्रश्न, इस टाइप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और हर एक क्वेश्चन प्लीज आप तैयार कर लेना। आज के इस वीडियो में आपको शॉर्ट के क्वेश्चन कराऊंगे, कुछ लॉन्ग के भी होंगे, और एक ऐसा वीडियो आएगा नेक्स्ट जो कि तीन नंबर वाले और पांच नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, ठीक है, तो पूरा देख करके जाना। चलिए तो जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए, ठीक है। तो जैसे हाइड्रिला, बेलिसनेरिया, ये दो जो है क्या भाई, जल परागण करने वाले पौधे हैं, है ना। तो याद कर लेना, ये भी आपका एक नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसमें कि कहा गया कि सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सेब और नाशपाती क्या है, आभासी या मिथ्या फल है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भाई ये आखिरकार आभासी फल कहते क्यों हैं, इन्हें क्यों होते हैं, तो देखो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि परिपक्व अंडाशय वास्तविक फल होता है। जैसे परिपक्व जो अंडाशय होता है, किसी भी फूल को आप देखो, जो फूल होता है ना, किसी भी फल को बनने से पहले उसमें फूल लगता है, तो जो फूल होता है उसका जो परिपक्व अंडाशय होता है उसमें वास्तविक फल उसी से बनता है। यदि फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा फूल का अन्य भाग भी भाग लेता है, है ना, मतलब सम्मिलित होता है, तो फल आभासी फल कहलाएगा, ऐसा फल, ठीक है। जैसे कि सेब के निर्माण में वास्तविक अंडाशय के अलावा थैलेमस का भी भाग लेता है, या थैलेमस भी उसमें क्या होता है, अपना योगदान देता है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो सेब है वो क्या भाई, आभासी या मिथ्या फल है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन आपका एक या दो नंबर के लिए बनता है, ठीक है ना। चले तो यहां से तीन क्वेश्चन हो गए, नंबर फोर पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सारे। तो अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। देखिए पुष्प में दल का क्या कार्य है, तो यहां पर इसका आंसर है, पुष्प में दल परागकर्ताओं को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। तो ये आपका हो जाता है पुष्प में दल का कार्य, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए, कीट द्वारा परागित पौधों के नाम। तो जैसे आक हो गया, आक भाई साहब क्या आप जानते हैं किसे बोलते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते होंगे जैसे कि नहीं जानते हैं। जैसे गांव में होता है भाई मदार, एक भाषा में बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसकी पत्तियों को आप जैसे ही तोड़ेंगे तो पत्तियों से दूध जैसे निकलता है, मतलब एक तरीके से, और बोलते हैं कि ये जहरीला होता है, तो वही होता है भाई आग, आग का पौधा बोलते हैं। साल्विया होता है, पीपल होता है, गूलर हो गया, अंजीर हो गया, ये सब क्या है, पौधे हैं, पादप हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, कीट के द्वारा परागण करते हैं या कीट द्वारा परागित होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, असंग जनन क्या है अथवा असंग जनता, ठीक है, या इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस, को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर इसका आंसर है, बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये होता है भाई क्या, असंग जनता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेवन, जिसमें कहा गया कि दोहरा निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या है, या इनकी सॉरी इसकी खोज किसने की थी। तो यहां पर देखो इसका आंसर लिखना है, आवृत्तबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, तो याद रखना नवाज़चिन तथा फिटेलेरिया,
है ना, तथा लिलियम में की गई थी, ये स्थान है। तो इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपका ये क्वेश्चन, देखो शॉर्ट में तो पक्का आएगा और अगर शॉर्ट में नहीं आएगा तो लॉन्ग में आएगा, मतलब इससे एक क्वेश्चन जो डबल फर्टिलाइजेशन है इससे बनना तय होता है, ठीक है ना, तो जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखो कह रहा छोटा सा क्वेश्चन है, पराग कोष में परागण किसके किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो भाई टैपिटम से, किससे, टैपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं, टैपिटम है ना, याद रखना इसको। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सेलेसिस है ना, ऑक्सेलेसिस तथा कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताओ। तो यहां पर भाई नाम बताना है आपको, जैसे अनुन्मलीय पुष्प जिन्हें आप, एक होते हैं अनुन्मली, एक होते हैं उन्मलीय पुष्प, ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के ऐसे पुष्प हैं जिनको क्या करता है, ऑक्सेलेसिस तथा कोमेलाइना जो है इनका उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार की पूछा था, तो एक अनुन्मली पुष्प और एक उन्मली पुष्प, ठीक है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पालीगोनम प्रकार की भ्रूण कोष में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, किस प्रकार के, पालीगोनम, तो यहां पर इसका आंसर है पालीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष मीसोस्पोरिक होता है और इसमें 8 केंद्रक होते हैं, जिसमें कि बोले तो 3-3 बीजांड द्वारीय तथा चैलांजल सिरोपर तथा 2 क्या होते हैं केंद्रक, द्वितीय केंद्रक बनाने के लिए मध्य में होते हैं, मतलब 3-3 ये हो गए तो 6 यहाँ पर और 2 जो होते हैं ये द्वितीय केंद्रक बनाने के लिए उपयोग में आते हैं, तो 6+2 यानी टोटल हमारे 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आपको इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो में आप बने रहेगा, पीडीएफ भी आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। देखो निषेचन के बिना फलों के विकास को वानस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं अनिषेक फलन, मतलब जैसे बिना निषेचन के भाई अगर फल का निर्माण हो जाए तो क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन उसको बोलते हैं वानस्पतिक भाषा में, है तो ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को हमने अभी बताया आपको, क्या कहते हैं, टैपिटम बोलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना टैपिटम होती है जो कि आपके सामने यहां पर है, और यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी पराग कण को पोषण भी प्रदान करता है या पोषण देता है, ठीक है, तो कितने हो गए भाई यहां से, टोटल 12 हो गए। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर है, अपबीजाणुकता क्या है, एक उदाहरण दीजिए, अपबीजाणुकता क्या होती है और इसका एक उदाहरण, तो यहां पर आंसर लिखना है वह प्रक्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के, यानी ऐसी प्रोसेस या ऐसी विधि जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीजाणुभित से सीधे ही युग्मकोद्भित का निर्माण होता है, मतलब बीजाणुभित से क्या होता है, डायरेक्टली युग्मकोद्भित का निर्माण हो जाता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसे बोलते हैं अपबीजाणुकता, ठीक है, जैसे कि क्रेपिस आदि, ये आपको हो जाता है इसका आंसर। अगला भाई यहां पर कह रहा है हेस्पेरिडियम फल के दो उदाहरण, तो नारंगी और नींबू, ठीक है, दोहरा निषेचन में को परिभाषित, तो भाई यहां पर आवृत्ति विधि पौधों में संयुग्मन और तृणसंलयन को सम्मिलित रूप से हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या दोहरा निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन यहां से आपका आता है 16 नंबर, कह रहा है कि भ्रूण पोष का विकास आवृत्ति विधि पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो देखना भ्रूण पोष का जो विकास होता है यह विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोष में एक नर युग्मक के साथ संयुक्त होने पर होता है, तो यह होता है 16 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आओ, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि पुंजायांगी अवस्था किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़ जाते हैं, पुष्प में जो पुंकेसर होता है जायांग के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि आर्किड्स और आग और हंसलता, ये आदि पौधे क्या होते हैं, इसके उदाहरण हैं, तो इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा यहाँ से 17 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से थे अभी तक, और अब जो है यहाँ पर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला, जिसका कि नाम है आपका मानव जनन, ठीक है, तो मानव जनन में देखो कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, अच्छे तरीके से आपको इनको तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से और 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका सीरियल वाइज, कह रहा है कि कोरियन की बाहरी सतह कैसी होती है और इसका कार्य बताइए, देखो कोरियन की बाहरी सतह कैसी होती है, तो इसकी बाहरी जो सतह होती है अनेकों अंगुली सदृश प्रवर्ध होते हैं इसमें बाहरी सतह पर, जिन्हें कोरियनिक प्रवर्ध कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोरियनिक प्रवर्ध कहते हैं, जो गर्भाशय भित्ति में धंस जाते हैं और ये
प्रबंध भ्रूण के पोषण श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो इस टाइप से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी करो। देखो पूछ रहा है कि फर्टिलाइजिंग क्या होता है और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है, तो इसका आंसर आपको देना है, अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन के लिए अंडाणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन स्रावित होता है। किसकी सतह पर? अंडाणु की सतह पर। और बात करें दूसरी ओर यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिंग की, तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु के अग्रपिंड से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु की अग्रपिंड की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे दो जंतुओं के, कितने भाई, दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। अपरा जानते हैं, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर देखो, स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इस प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाए, पशु, गाय, भैंस इत्यादि में ये आपका अपरा पाया जाता है। वैसे क्या होता है, यूथेरिया समूह के जितने ग्रुप के जो है जीव जंतु होते हैं स्तनधारी, उनमें ये अपरा पाया जाता है, ठीक है ना, मनुष्यों की तरह। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे आते हैं। देखो कह रहा है कि शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त करता है, उसका स्रोत बताइए। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि शिशु जन्म के बाद माता की पीयूष ग्रंथि, यानी कि जिसे प्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है, एक कौन सा भाई, प्रोलैक्टिन, दूध श्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है, जबकि पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड पर यानी पीछे की तरफ एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। ऑक्सीटोसिन भाई दूध मुक्त करता है, ठीक है ना, तो इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएँ, इनको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त चक्र क्या है और इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। तो आवर्त चक्र या रजोधर्म स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशय तथा गर्भाशय व्यक्ति के में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात या बोले तो इसलिए जब यौनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है तो ये परिवर्तन महीने में एक या दो बार दोहराए जाते हैं और इसे माहवारी या रजोधर्म या रजो चक्र भी या आवर्त चक्र भी कहते हैं। तो ये होता है, इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कह रहा है कि यहां पर अगला, चलिए ये इसी का आंसर था। तो अगला है वृषण के दो कार, तो वृषण के दो कार आपको बताना है, जिसमें से पहला जो कार है वो भाई वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और जो दूसरा कार है वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स जिसे कि टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, वृषण के दो प्रमुख कार्य हैं, तो इसको कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, और जैसे कि आपको प्रॉब्लम आया करती तो वीडियो को आप रोक सकते हो, क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके समझ लिया करो और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ भी बताऊंगा कहां पर मिलेगा। तो इस टाइप से हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है इसका, वृषण को शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह होता है शुक्राणु जनन, ठीक है ना, जिसके अनुसार स्पर्म बनता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जनन और स्वास्थ्य, तीसरा चैप्टर। इससे पहला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य क्या है। तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के समस्त पहलुओं सहित, जैसे कि संपूर्ण स्वास्थ्य जिसमें आपका शारीरिक हो गया, है ना, भावात्मक हो गया, व्यावहारिक हो गया, सामाजिक हो गया, या बोले तो धन से समझ लो, मतलब आर्थिक, है ना, हर प्रकार से अगर व्यक्ति मजबूत है तो उसको आप बोल सकते हैं कि वह स्वास्थ्य व्यक्ति है, ठीक है ना, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया है कि मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो लैंगिक संबंधों से दो रोग होते हैं, पहला एड्स हो गया, दूसरा आपका आत्सक या उपदंश जिसे सिफिलिस बोलते हैं। तो ये दो रोग हैं, पहला एड्स, दूसरा उपदंश, इनको याद कर लेना, यही होते हैं किससे, लैंगिक संबंधों से, ठीक है ना, प्रेषित होने वाले। तो अगले क्वेश्चन पे आते, कह रहा है कि क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। तो इसका आंसर है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक होने के कारण यह एक राष्ट्रीय संकट है, अतः गर्भ निरोधकों का प्रयोग एक न्याय उचित और न्यायोचित प्रक्रिया होती है। तो यहां से टोटल कितने हो गए भाई,
28 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसी के साथ यहां पर मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है भाई। ऑल सब्जेक्ट का जितने भी बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उनके लिए ऑफर है, बाकी जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको नहीं लेना ये सब चीजें, ठीक है ना। तो जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, अभी तक नहीं आप बना पाए, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं आपको दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट मात्र 99 रुपए में पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप याद रखेगा, होम डिलीवरी वगैरह नहीं होगा, पीडीएफ फॉर्मेट आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9511470534, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझे बोल देना कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो ऑल सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट आपको मिलेंगे, 7-7 सेट जो कि मैंने कंप्लीट किए हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आप उनको सॉल्व को ही लगाएंगे और आपका नोट्स से पढ़ाई भी करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक है तो 99 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए सीमित ऑफर है, तो आप जरूर इसको परचेस कर सकते हैं। वहां पर मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूं आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव जो भी चीजें हैं सारा कुछ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? तो इसका आंसर है भाई कि गर्भ निरोधकों का अर्थ होता है गर्भ न धारण होने देना, जबकि जनन ग्रंथि का हटाना बाध्यकरण, या बोले तो बाध्यकरण मतलब रोक देना, है ना, उसको पूरी तरीके से बाधित कर देना या रोक देना की प्रक्रिया होगी, जिसको पुनः रोपित करना संभव नहीं होता, मतलब एक बार आप उसको रोक देंगे तो दोबारा से उसको सही नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त तो व्यक्ति को आजीवन हार्मोन्स की कमी जैसे नींद को भी पूरा करना होगा। इस प्रकार जनन ग्रंथि का हटाना किसी भी प्रकार से गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो आता है आपका, कह रहा है 30 नंबर, कह रहा है कि स्तनपान अनावर्त अनार्तव के एक गर्भ निरोधक के रूप में दो लाभ लिखो, कितने लाभ देना है, दो, ठीक है। चलो तो पहला आपका इसका हो जाएगा यहां पर, तो इसका देखो आंसर यहां पर दो लाभ कौन कौन से हैं समझते हैं। इसी के साथ आपको इनको नंबरिंग डालकर देखो एक एक नंबर करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो क्या है रहा है यहां पर, यह स्पष्टतः प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं, तो इसमें है कि शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है, साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है, ठीक है, ये हो गए दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की भित्ति पर आरोपित होने से कैसे रोका जा सकता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आईयूडी, इसको बोलते हैं इंट्राडे यूरेटिन डिवाइस, तो इसको बोलते हैं जैसे कृत्रिम साधनों के द्वारा निषेचित अंडाणु के गर्भाशय की वृत्ति पर आरोपित होने पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, ये हो गया। अगला है आईयूडी और आईयूटी का फुल फॉर्म लिखिए या पूरा नाम लिखिए, तो आईयूडी को मैंने बताया कि इंट्रा यूरेटिन डिवाइस बोलते हैं और जो आईयूटी होता है इसको बोलते हैं इंट्रा यूरेटिन ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर हो गया, इतना बस फर्क है, ठीक है ना। तो 32 हो गए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां 33 नंबर पे देखो, 33 नंबर यहां पर चैप्टर नंबर 4 से है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत जिसका नाम है ना, तो यहां पर देखो वंशागति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए अथवा वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन हो गए, आंसर लिखना कि बाबेरी और सटन, ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत गुणसूत्रीय मत जो है प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा 33 का आंसर। अगला देखो यहां पर है 34 नंबर, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, तो वर्णांध व्यक्ति को यानी कि जो व्यक्ति रंग नहीं समझ सकता तो भाई उसको रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वह लाल और हरे रंग पर, ये दो कलर जो होते हैं, क्योंकि भाई देखोगे तो रेल में आपका रेड जो है ये होती ना बत्तियां, ग्रीन भी बत्ती होती, तो वो कलर में क्या होता है डिफरेंट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनको रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सहप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए अथवा सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी में नर एवं मादा दोनों के ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात उनका मिश्रण नहीं होता है, ठीक है, यानी कि मिलते नहीं हैं, इसे सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मवेशियों में आवरण के रंग के जीन सहप्रभावी होते हैं और मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति भी इसी प्रकार की होती है, ठीक है,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो यहां पर देखिएगा लिंग सहलग्न गुण क्या होते हैं, इसका आंसर, तो आंसर में लिखना है आपको प्रायः लिंग गुण सूत्रों पर जो लक्षणों के जींस होते हैं, ठीक है ना, जो लक्षणों के क्या होते हैं, जींस होते हैं, उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। जैसे लिंग गुण सूत्रों पर इनके अतिरिक्त कुछ जींस, यानी कि इनके अलावा भी कुछ जींस क्या होते हैं, कायिक अथवा दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं, ये लिंग सहलग्न जींस कहलाते हैं तथा इनसे उत्पन्न लक्षण लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। मनुष्य में वर्णांधता और हीमोफीलिया दो पूछा था ना, यहां पर कह रहा था ना मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न गुणों के नाम, तो ये होते हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है ना, ये दो लक्षण होते हैं या ये दो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, रक्त समूह ए वाली माँ और रक्त समूह वी ओ सॉरी ओ वाले पिता के बच्चों का समूह रक्त समूह कैसा होगा, तो ओ या ए ही होंगे, ठीक है, ये कर लेना। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इसमें बताया गया है, कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले एक पुरुष के साथ होता है, तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा, तो ये ए या बी हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई दो चांस है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है समयुग्मनजी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जब दोनों एलील समान हो तब इसे समयुग्मनजी एलील जोड़ा कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये सब होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है, मैंने बताया कि स्मॉल टी अगर स्मॉल टी है तो ये समान है, ऐसे ही कैपिटल टी है तो ये भी समान है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे समयुग्मनजी एलील जोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको संक्षिप्त टिप्पणी इस पर करिए डाउन सिंड्रोम पर। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एन्यूप्लोइड ट्राइसोमिक रोग है जो कि 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति से होता है, इसे 21वीं ट्राइसोमी भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखो यहां से आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 जिसको बोलते हैं वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, तो इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में अंतर। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एक मुड़िकाई होती है जबकि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो एक फास्फेट मूलक होता है जो कि इसकी कमी से होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यूरिन और पिरिमिडिन में एक अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यूरिन के क्षारकों में दो एन रिंग होते हैं किंतु जो पिरिमिडिन होता है इसके क्षारकों में एक ही एन रिंग होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं। तो डीएनए में पाई जाने वाली कुल 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं जिसमें कि यहां पर कह सकते हैं डीएनए में आपकी पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां जिसमें से आपका यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपके सामने है पहला डीऑक्सी एडिनिन एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अगला है डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, अगला है डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफास्फेट, अगला है डीऑक्सी थायमिन मोनोफास्फेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन को डांस का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर देखिएगा सूत्रपात यानी कि इसको बोलते हैं प्रारंभ, कोडान आपका होता है AUG तथा समापन कोडान जो होता है वो होता है UAA, UAG या UGAI, ठीक है। तो इस तरीके से होता है सेंट्रल डोगमा से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेंट्रल डोगमा से क्या अभिप्राय है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है तो ये क्वेश्चन है, इसमें अलग से आपको समझ लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कोई दो निरर्थक कोडान को लिखिए, जैसे 3 समापन कोडान मैंने बताया आपको, ये है ना 3 हो गए, को अज्ञानता के कारण पहले निरर्थक कोडान कहते थे, अब ऐसा कोई कोडान निरर्थक नहीं माना जाता, इन कोडांस को समापन कोडांस कहते हैं। तो ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हो गया 45 नंबर। अगला यहां पर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चैप्टर नंबर 6 से। तो चैप्टर नंबर 6 भाई क्या है, विकास चैप्टर से। 46 नंबर है उत्परिवर्तन क्या है अथवा उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए, उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना।
तो इस तरीके से यहां पर आपके सामने है इसका आंसर। देखो आंसर है, अनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इसका सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला क्वेश्चन है, एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ को जोड़ने वाली संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो इसका होता है पेरिपेट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संयोग से आकस्मिक रूप से एलील आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में अधिक कमी आ जाती है और इस कारण से नवीन पीढ़ियों में जीव नमूनों में मूल नमूनों में से भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 49। देखो इसमें कहा गया कि सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो इसमें आपको आंसर देना है, इसका आंसर आपका इस तरीके से हो जाएगा, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच संयोजक कड़ी, यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे इसको, ठीक है, के रूप में आर्कियोप्टेरिक्स, ये नाम आप थोड़ा याद रखना, आर्कियोप्टेरिक्स नामक जंतु को माना जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले दो अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने ये पूरा है, इसको आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दी कि अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो भाई आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, ये सारे के सारे आपको पूरा एकदम हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स मिलेगा और वो भी भाई पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक सीमित ऑफर चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए ये नोट्स बहुत ही बेहतर होने वाला है। जो सोच रहे हैं कि भैया अभी हम पढ़े नहीं, क्या करें, कैसे करें तैयारी की शुरुआत, हमें समझ नहीं आ रही, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, 99 रुपये आपको पे करने होंगे और ये सारे के सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि काफ़ी सीमित और कह सकते बहुत ही कम रुपए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।